कामथी नगर के जंगल में पीलू विष्णु जी की भक्ति करती थी। हर दिन पीलू अपने घर में विष्णु जी की आरती करती थी और उनको सुंदर सुंदर फूल अर्पित करती थी। वो अपना पुराना ऑटो चलाकर अपना और अपने बेटे बबलू का खर्चा चलाती थी। पीलू जितनी मेहनती थी, बबलू उतना ही आलसी था। बेटा बबलू, तू अपनी उम्र के लड़कों को देखो, सभी मेहनत कर रहे हैं, मगर तू है कि कोई काम नहीं करता और सिर्फ आलस करता रहता है। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, आखिर कब तक मैं घर का खर्च चलाऊंगी? माँ, मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ऑटो नहीं चला सकता। ये ऑटो ही है हमारे पास, ये नहीं चलाना चाहता तो क्या करना चाहता है तू? ये खटारा पुराना ऑटो है, अब जमाना बदल गया है माँ। तो तू नया ऑटो ले ले। बबलू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। हे विष्णु जी, मैं क्या करूँ, मेरी तो ये लड़का सुनता ही नहीं है। एक दिन पीलू ऑटो चलाते चलाते चक्कर आकर गिर जाती है। उसे चोट लगती है तो उसको कुछ दिन घर में आराम करना पड़ता है, लेकिन बबलू फिर भी काम की तलाश नहीं करता है। इस बात से पीलू दुखी हो जाती है। हे भगवान विष्णु जी, आप ही मेरे बेटे का कल्याण कीजिए, इस उम्र में ये इतना आलसी है, ये कोई काम नहीं करेगा तो मैं इसकी शादी कैसे करवाऊंगी? और अब तो मेरा ऑटो भी पुराना हो रहा है, घर में कमाई नहीं होती है और ये लड़का है कि सिर्फ समय बर्बाद करता रहता है। पीलू की भक्ति की पुकार विष्णु जी सुनते हैं और पीलू के सामने प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चिंता मत करो। हे विष्णु जी, आप मुझे दर्शन दिए, आपकी कृपा अपरंपार है, आपका बहुत धन्यवाद भगवान, आप ही मेरे सहारा है। बेटी, तेरे जैसे भक्त आज के समय बहुत कम होते हैं, जो इतनी मुसीबतें सहते हुए भी मुझे ही याद रखते हैं। तेरे बेटे को सच्ची मार्ग में लाने की जिम्मेदारी अब मेरी। तू कल बबलू को जंगल से कुछ लकड़ी लेने के लिए भेजना, मैं आगे देख लूंगा। फिर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू बबलू को जंगल में से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है। बबलू जंगल जाता है तो उसे एक साधु दिखाई देते हैं, जो पत्थर और बांस से एक ऑटो रिक्शा बना रहे थे और फिर उसको तुरंत ही गायब कर देते हैं। साधु महाराज, मैं अभी आपको बांस और पत्थर का ऑटो बनाते देखा, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं ऐसा बांस और पत्थर का ऑटो बनाना? तुम्हारा नाम बबलू है ना, तुम्हारी माता का नाम पीलू है। साधु बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। पीलू बहुत अच्छी विष्णु भक्त है, लेकिन तुम बहुत ही आलसी हो। मैं तुम्हें पीलू के बेटे होने की वजह से अनोखा ऑटो बनाना सिखा दूंगा, लेकिन याद रखना, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बिना रुके तुम लगातार ऑटो को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अगर चुके तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बबलू डर जाता है और साधु से लगातार सुबह से शाम तक, फिर रात से अगले दिन तक बिना रुके बांस और पत्थर का ऑटो बनाना सीखता रहता है। हे साधु बाबा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी जय हो। तभी वहाँ पीलू आ जाती है। बेटा, तू कल सुबह से घर नहीं आया। बबलू पूरी बात उसको बता देता है। बेटा, ये साधु महाराज असल में भगवान विष्णु जी हैं। और फिर साधु भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं। बेटा, तू मेरी प्यारी भक्त पीलू का बेटा है, इसलिए मैंने तेरा कल्याण किया है, अब तू अपनी माँ का ख्याल रखना। हे विष्णु जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा और आपकी पूजा भी नहीं करता हूँ, मैं बस आलस करता रहता हूँ। आपकी कृपा से अब मैं सही रास्ते में आ गया हूँ, अब से मैं कड़ी मेहनत करूंगा और माँ की सेवा भी करूंगा। आपकी जय हो भगवान। और फिर इस तरह से पीलू की भक्ति से उसका बेटा मेहनत करने लगता है और तरक्की करता है। इस तरह से दोनों माँ बेटे अब भगवान विष्णु जी की आराधना करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।
चीनू और पिंकी दोनों भाई बहन हैं और अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है इसलिए सुबह सुबह उनके मम्मी पापा उनके पास आते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, आज बताओ क्या खाओगे? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। मम्मी आप आलू का पराठा बना दो, मुझे वो बहुत पसंद है। और चीनू तुम? मैं भी आलू का पराठा खा लूंगा, मुझे भी तो ये बहुत पसंद है। बाकी तो आज स्कूल में पार्टी रखी ही गई है, वहाँ भी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। चलो बच्चों जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आ जाता हूँ। दोनों बच्चे नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तब तक उनकी मम्मी आलू के पराठे बना देती है। दोनों पराठे खाकर स्कूल के लिए पापा के साथ निकल जाते हैं। पापा दोनों को स्कूल में छोड़ देते हैं। बच्चों आज खूब मस्ती करना, आज तुम्हारा ही दिन है, बाकी मेरी तरफ से भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पापा ऐसा कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और चीनू और पिंकी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि आज उनकी क्लास बहुत ही सजी हुई है। फूल मालाएं और रंगोली बनी हुई है। कुछ देर बाद उनके क्लास टीचर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों हैप्पी चिल्ड्रंस डे, आज आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। वैसे बच्चों कोई मुझे बताएगा कि हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? तभी पिंकी अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, सर हम चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती उत्सव है और उन्हें क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे थे तो आज के दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। गुड पिंकी। इसके बाद क्लास टीचर वहां से चले जाते हैं और सभी बच्चे ग्राउंड में जाकर खेलने लगते हैं। कोई क्रिकेट खेलने लगता है, तो कोई बैडमिंटन, तो कोई फुटबॉल। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे। पिंकी और चीनू भी बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी पिंकी की नजर स्कूल के बाहर खड़े दो गरीब बच्चों पर जाती है, जिनके कंधों पर थैले लदे हुए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, जो उन्हें बड़ी आस भरी नजरों से देख रहे थे। पिंकी को उन पर बहुत दया आती है, इसलिए वो उनके पास जाती है और कहती है, तुम भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चलो हमारे साथ। चीनू और पिंकी उन दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर ले आते हैं और उन्हें भी अपने साथ खिलाते हैं और खाने के लिए मिठाई और चॉकलेट भी देते हैं। अब हम चलते हैं, हमें कबाड़ इकट्ठा करना है। अगर कबाड़ इकट्ठा नहीं किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमें खाना भी नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हम बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस बहुत महंगी होती है जो हमारे माँ बाप नहीं भर सकते। तभी उन बच्चों पर गार्ड की नजर पड़ती है और वो उन्हें स्कूल से बाहर निकालने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। दो मिनट के लिए नजर क्या हटी, तुम तो अंदर ही घुस गए। चलो निकलो यहाँ से। गार्ड अंकल इन्हें मत निकालो ना, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, इन्हें खेलने दो। अरे बेटी इन्हें बाहर नहीं निकाला तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तभी चीनू के क्लास टीचर उनके पास आते हैं। कोई तुम्हें काम से नहीं निकालेगा, ये भी बच्चे हैं, इनका भी खेलने का मन करता है, खेलने दो इन्हें। बच्चे तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे? बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शिक्षा पर सभी का हक है और कल तुम अपने माँ बाप को स्कूल लाना, मैं उनसे बात करूँगा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाऊंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, साथ ही चीनू और पिंकी भी, क्योंकि उन्हें नए दोस्त जो मिल गए थे, इसलिए वो सभी मिलकर खेलते हैं और चिल्ड्रंस डे का सही फायदा उठाते हैं। मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था, वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था, बिहू हिरन और चुनू बालू के स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे, उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं, तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था, वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे, ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुनू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों आ जाओ आ जाओ, अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो, आ जाओ चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं।
चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुंचते हैं जहां खन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा दो गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूँ? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसे घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना, क्योंकि बच्चों वहाँ पर खेत खलिहान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओ, अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे। मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है, वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो, वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें, अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। चिलबन नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी, और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1,00,000 उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी, तभी उसकी नजर बबली के खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू कहाँ घूम रहा है, ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है। शैतानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी, उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है ठीक है, ब्याज मिलाकर 3,00,000 दे देना। क्या, लेकिन मैंने तो बस 1,00,000 ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ तो ब्याज चढ़ा के और 2,00,000 हो गए हैं,
तुम अनपढ़ गवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपने बेटे पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उसे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने चांदी डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या, उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है, उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है। सेठानी जी आप कब आ गई यहाँ। खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं, आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या, तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी। अरे पीलू तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे, इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है तो फिर सौदा पक्का, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति जमीन जायदाद गाड़ियाँ हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटे से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़। जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू। अरे पीलू तू यहाँ कैसे। बबली मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल मैं अब घर के अंदर चलती हूँ, मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी, अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ, मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली ये देख मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ, इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे
ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं, इसे तू वापस ले जा, पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है, चल ठीक है मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता, लेकिन क्या करूं? मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है, आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू, ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तू भी आ जाना, मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है, तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली, अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है, वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए, तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है, पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी उसकी डिजाइन भी कमाल है, ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है, सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं, उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली फोन क्यों नहीं उठा रही है, उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालत संभल जाएगी, इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे, आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है, चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं, अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। बदलापुर एक छोटे से गांव था, यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी अच्छे से बर्गर खा लो, सुबह सुबह बर्गर खा लो, हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था, फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू,
कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊंगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूम धाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमा कर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी, अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल पिज्जा बर्गर ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो, तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे, बहुत नुकसान हो चुका है, अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती, नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन मेरे दुकान बंद हो जाएगी, मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है, तुम जाम में जरूरी विटामिन्स होते हैं कहकर बेच देना, काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उसे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इम्पोर्टेड फल लाकर देता है, जिसे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम पिज्जा बर्गर्स बेचने लगती है। उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे, इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल के बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए, इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।